खड़दुंगना से चल दी है, हम जा रहे हैं होंडर की तरफ। आगे रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, मेरे को ट्रक वाले भैया ने बताया था अभी एक। अभी हम खारदुंगला से नीचे उतर रहे हैं होंडर की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है यहाँ, स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं हमारे सामने लेफ्ट में और सामने और हमारे राइट में। सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है अभी तो, खैर अभी यहाँ बनी रही है, ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग करने का हमें मौका मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है ये, साच पास को भी टक्कर देता है दोस्तों, ये बहुत ही ऊपर है। साच पास सिर्फ 14,400 है, ये 17,000 समथिंग कुछ है। अभी यहाँ से उतरना है पूरा हमें, वो भी गीली चिकनी मिट्टी के साथ उतरना है। ऐसे में बाइक स्लिप होने का बहुत डर रहता है, सारा कुछ हमारे रियर ब्रेक्स पे निर्भर करता है और आपका हैंडलिंग, बाइक हैंडलिंग। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग, वहाँ पे सामने धूप निकल चुकी है दोस्तों, वहाँ मौसम काफ़ी अच्छा होगा। जो भी दिक्कत है बस यहीं ऊपर तक है, फिर तो बहुत अच्छा मौसम है। ये भी एक एक्सपीरियंस है जो हमें मिल गया है, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी गिर रही है, आइस ड्रॉपलेट्स। वो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ नीचे जाना है, रोड से जाना है ना कि खाई से। हैंडल उड़ गया था राइड को, बड़ा ही ज़बरदस्त सड़क है ये, ख़तरनाक वाला। चिकनी मिट्टी है ना तो टायर स्किड कर रहा है और हैंडल मुड़ जा रहा है, पकड़ के रखना पड़ेगा हैंडल। हाथ छोड़ के अगर मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा ना तो हम लोग बिना डायरेक्शन के हो जाएंगे। ज़बरदस्त सड़क, ज़बरदस्त जगह, मज़ा आ गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली, सीताराम हनुमान, भगवान की बदौलत हो पाया है ये सब, वरना हम क्या चीज़ें, हमारी क्या औकात है। क्या नज़ारे हैं दोस्तों, लाइफ टाइम मेमोरी है ये, जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब अपनी वीडियो देख के याद करेंगे हम यहाँ गए थे। एक पेड़ नहीं है यहाँ पे, पौधा तक नहीं है, पेड़ तो छोड़िए, घास भी नहीं है, जंगली घास भी नहीं है। यह है नज़ारा सामने का पूरा, अब तो मज़ा आ रहा है, धूप लग रही है, सिकाई हो रही है, मज़ा आ गया। ये देखिए दोस्तों, रास्ता देखिए बस, वो सामने पहाड़ पे बर्फ़ देखिए, कितनी सुंदर लग रही है, कॉन्ट्रास्ट बना रही है, वाइट वाइट बर्फ, ब्राउन ब्राउन पहाड़। वहाँ कहीं से आए हैं पूरा घूमते हुए, वाकई में आप अगर पूरा इंडिया घूमने जाएं तो कम पड़ जाए, बहुत जगह है घूमने की, और हम खुश नसीब है कि हम यहाँ घूमने आ सके हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। हमें यहाँ नीचे जाना है, ये सड़क पूरी यहाँ से घूम के नीचे उतर रही है दोस्तों। पहाड़ों की यही तो खूबी है कि आपको अपना अपना जाने वाला रास्ता दिख जाता है, चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो, मालूम पड़ जाता है
नीचे दिखने वाला रास्ता तो आपको साफ साफ दिखता है कि भाई हमें यहाँ जाना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, एक नंबर सड़क बना दी है दोस्तों, एक नंबर। काफ़ी कर्वी मोड्स हैं यहाँ के, ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी मोड़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ खाने पीने का है, लोग यहाँ रुक के शायद कुछ खा पी रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, मौज हो रही है यहाँ। टी स्टॉल है यहाँ पे, दोस्तों नॉर्थ पुल्लू 2 किलोमीटर रह गया है, नॉर्थ पुल्लू में चेक पोस्ट आएगा, यहाँ 2 बार चेक पोस्ट आता है। जब आप खारदुंगला आते हैं लेह से तो साउथ पुल्लू में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ते हैं। बाइक का नंबर लिया, मेरा ऑयल नंबर लिया और मेरा नाम लिया और हम लोग खारदुंगला पहुँच गए। अब उतर रहे हैं दूसरी तरफ, अब आएगा दोस्तों नॉर्थ पुल्लू। नॉर्थ पुल्लू पार करेंगे, सीधा जाएंगे हम हुंडर की तरफ, उसके आगे टुटुक की तरफ। दोस्तों सीधा रास्ता जा रहा है खलसार और हमें जाना है, नीचे उतरना है नॉर्थ पुल्लू की तरफ। दोस्तों ये रास्ता सीधा खलसार जाता है पर ये बंद कर दिया गया है फिलहाल। हम जा रहे हैं नॉर्थ पुल्लू नीचे, बहुत ही खतरनाक कर्व है, अगर यहाँ ज़्यादा तेज़ चलेंगे ना तो सीधा नीचे जाएंगे खाई में। 15,300 फीट की ऊंचाई पे आ चुका हूँ दोस्तों मैं। ये देखिए दोस्तों, ये है नॉर्थ पुल्लू। तो दोस्तों हम नॉर्थ पुल्लू आ चुके हैं, साउथ पुल्लू से हम ऊपर चढ़े, खारदुंगला पार किया, नॉर्थ पुल्लू आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी एंट्री होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हुंडर की तरफ। कैंटीन खुली हुई है, आप यहाँ चाय पी सकते हैं, मोमो खा सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ। ये पूरा ये रही अपनी बाइक और ये देखिए बहुत सारी ईट्रीज हैं यहाँ पे। दोस्तों ये है पूरा नॉर्थ पुल्लू, ये है चेक पोस्ट। दोस्तों खारदुंगला टॉप से हम नीचे आ गए हैं, 13 किलोमीटर भी छोड़ के आ गए हम। अब हमें जा रहे हैं नीचे हुंडर की तरफ, 122 किलोमीटर दूर दिखा रहा है,